यानी कि एरिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी आकृति द्वारा तल के घेरे हुए भाग की माप को, घेरे हुए भाग की माप को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यह एक तल ले लेता हूँ और इस तल पर मैं एक आकृति त्रिभुज ले लेता हूँ। तो यह त्रिभुज इस तल के कितने भाग को घेरा है, इसी भाग की जो माप होगी ना, वह आपका इस आकृति यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें दो बातें आती है। एक तो आता है त्रिभुज का अभ्यंतर। तो अभ्यंतर भाग कौन होता है? तो यह इनकी भुजाओं के द्वारा अंदर की ओर ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, यही त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज का अभ्यंतर। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे चैप्टर में, इसलिए ये जानना जरूरी है। त्रिभुज का अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर लेते हैं। या कह सकते हैं कि तल का वह भाग जो त्रिभुज से घिरा हो त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाता है। समझ रहे ना, त्रिभुज का अभ्यंतर मतलब ये देखो, इस त्रिभुज द्वारा घिरा हुआ जो भाग है यानी जो अंदर हम लोग छायांकित किए हैं ना, इसी को हम लोग त्रिभुज का अभ्यंतर कहेंगे, अंदर की ओर। और दूसरी बात आती है इसमें त्रिभुजाकार प्रदेश। तो त्रिभुजाकार प्रदेश को हम लोग क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर रीजन। चलिए, तो ट्रायंगुलर रीजन कौन सा कहलाएगा? तो इनके भुजाओं और ये अंदर का जो छायांकित भाग है सबको मिलाकर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज और उसके अभ्यंतर का सम्मिलन त्रिभुजाकार प्रदेश कहलाता है। कहने का मतलब है कि इसकी भुजा यानी यह और ये अंदर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो त्रिभुज का अभ्यंतर जो क्षेत्र देख रहे हैं वो, और ये भुजाओं, इनको सम्मिलित करते हुए टोटल जो होगा वह आपका त्रिभुजाकार प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुजाकार प्रदेश में टोटल आ जाएगा, भुजा के साथ सम्मिलित करते हुए अंदर का क्षेत्र भी, और त्रिभुज का अभ्यंतर मतलब इसके अंदर का जो ये छायांकित भाग है वही। तो अगर भुजा को और अंदर के क्षेत्र को इंक्लूड कर लिए तो वह त्रिभुजाकार प्रदेश कहलाएगा, और सिर्फ अंदर के क्षेत्र को इंक्लूड कर रहे हैं तो वह त्रिभुज का अभ्यंतर कहलाएगा। उसी तरह से अगर मैं किसी चतुर्भुज की बात करूं, तो यानी जैसे मैंने एक आयत ले लिया, ठीक है, अब इस आयत द्वारा अंदर की ओर ये तल का जो घिरा हुआ भाग है, घिरा हुआ क्षेत्र है, या क्या कहलाएगा, आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। और आयत का अभ्यंतर कौन सा कहलाएगा? तो ये अंदर की ओर जो भाग देख रहे हैं ना, तल का वह भाग जो इस आयत से घिरा हो, यही वाला भाग जो मैंने छायांकित किया, यह क्या कहलाएगा, आयत का अभ्यंतर। ठीक है, और उसी तरह आयताकार प्रदेश क्या होगा, तो इसके भुजाओं को सम्मिलित करते हुए यानी कि इस आयत को और इसके अंदर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए टोटल यह जो भाग होगा, यह आपका आयताकार प्रदेश कहलाएगा। समझ गए? उसी तरह से हम लोग पंचभुज अष्टभुज में ऐसे ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि अभ्यंतर और प्रदेश दोनों में फर्क क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ अभिगृहित है, क्षेत्रफल से संबंधित कुछ अभिगृहित है, उनको देख लेते हैं। पहला है क्षेत्रफल अभिगृहित यानी एरिया ज़ोन। आपको पता है अभिगृहित के बारे में,
ये ऐसे कथन होते हैं जो सत्य होते हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये आपको पता है क्षेत्रफल अभिगृहित क्या है, एरिया एक्ज्यूम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है ना। क्षेत्रफल अभी क्या है कि हर एक बहुभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आपको पता है आप कोई त्रिभुज ले लो तो त्रिभुज भी स्थान घेरेगा, आप कोई चतुर्भुज यानी जैसे आयत ले लो तो यह भी आपका स्थान घेरेगा, पंचभुज षष्ठभुज किसी के भी बारे में बात करोगे हर एक द्वारा स्थान घेरा जाएगा, तल का कोई ना कोई हिस्सा वह घेरेगा, दैट मीन्स हर एक बहुभुज का एक क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल अभी क्या है कि हर एक बहुभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बहुभुज तल का कुछ हिस्सा घेरेगा ही, और जब वो स्थान घेर रहा है, तल का कुछ हिस्सा घेर रहा है, तभी वही ना उसका माप ही ना उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए तो अगर मान लीजिए यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा ए दुई हुई है, ठीक है, और इसका नाम मैं अगर ए बी सी दे दूं तो इसे कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, अगर भुजा इसकी ये है तो आपको फॉर्मूला पता है, रूट तीन बटा चार गुना में भुजा का स्क्वायर, यही ना हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इसके क्षेत्रफल को निरूपित करेंगे, ठीक है। आप ये आयत के बारे में जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो इस आयत क्या नाम दे दें, ए बी सी डी, इसको कैसे लिख सकते हैं कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी यहाँ पे चाहे तो आयत का सिंबल बना सकते हैं, बराबर में हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं, और यहां से हमें यह पता चला कि हर एक बहुभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले अभिगृहित की ओर, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित, यानी कि कॉन्ग्रेंट एरिया एक्ज्यूम। मान लेते हैं या लिखते हैं कि यदि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, तो ध्यान रखना इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो जो नहीं है त्रिभुज के लिए, वो चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो सकता है, अगर वो दो आकृतियां सर्वांगसम हो जाए, अच्छा सर्वांगसम त्रिभुजों का मतलब ही है ना, या दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेती है। अगर मैं इसे ए बी सी और इसे पी क्यू आर मान लू, अगर यह एक दूसरे को ढक ले, यानी यह आकृति इसको ढक रही है या इसको ढक ले रही, यानी सर्वांगसम है, और जब सर्वांगसम हो गए इसका मतलब यही ना है कि एक दूसरे के बराबर भी होंगे, यानी कि उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो ध्यान रखना होगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो आकृतियां सर्वांगसम हो जाएंगी, ऐसा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी यहां से यह पता चला कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, दो चतुर्भुज सर्वांगसम हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। दो सर्वांगसम आकृतियां का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, वही कहता है सर्वांगसमता क्षेत्रफल अभिगृहित, तो इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला है आपका क्षेत्रफल एकदिष्ट अभिगृहित, एरिया मोनोटोन एक्ज्यूम्स। ये क्या होता है, मान लेते हैं या लिखते हैं कि यदि आर वन और आर टू दो बहुभुज प्रदेश है, बहुभुज प्रदेश मतलब सर है ना, प्रदेश का मतलब आपको पता चल गया ना कि उसके भुजाओं और उसके अंदर के क्षेत्र को सम्मिलित रूप ही उसका प्रदेश कहलाएगा। आपको पता है दो बहुभुज प्रदेश हो और R1 जो है अंदर है R2 के, यानी सन्निहित है R2, कैसे कर सकते हैं, यदि R1 जो है सन्निहित है R2 में तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, यहां देखो समझो, इसके बाद में कोई भी बहुभुज हो सकता है, मान लो मैं त्रिभुज ही ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी बहुभुज की यहां बात हो रही है तो मैं त्रिभुज ही ले लेता हूं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला देख रहा है यह R2 है और जो छोटा वाला देख रहा है वो R1 है, दो त्रिभुज देख रहे हैं, बहुभुज ले सकता है कोई भी, इसलिए मैंने बहुभुज प्रदेश की बात की, ये R1 है ये R2 है, ठीक है। यहाँ देख रहा है ना कि R1 और R2 दो बहुभुज प्रदेश है, तो हमने इस बार त्रिभुज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और R1 सन्निहित है R2 के, R1 किसके अंदर है, R2 के अंदर है, R1 R2 के अंदर है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि R1 का जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा R2 के क्षेत्रफल से, या बराबर भी हो सकता है। अगर यह बड़ा हो, इसके अंदर पूरी तरह से सन्निहित हो, तो क्षेत्रफल में बराबर भी हो सकता है या क्षेत्रफल से छोटा होगा,
तो इस एग्जम्पशन में ये पता चला है कि अगर किसी बहुभुज प्रदेश किसी दूसरे बहुभुज प्रदेश के अंदर सन्निहित हो तो उसका क्षेत्रफल उस बड़े वाले बहुभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्षेत्रफल योग अभिगृहित एरिया एडिशन एग्जूम। मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि कोई आकृति आर दो आकृतियों R1 और R2 के मिलने से बनी हो जिसमें लिख सकते हैं कि सर्वनिष्ठ परिमित संख्या में बिंदु और रेखाएं हो, क्योंकि परिमित संख्या में होगी तभी ना उसका क्षेत्रफल के बारे में बात कर सकते हैं, रेखाएं हो। तो समझो यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक त्रिभुज ले लिया जाए। ठीक है, एक इस तरह से त्रिभुज ले लेते हैं और एक इस तरह से त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह दो त्रिभुज मिले लेते हैं जिसे मैं एक R1 मान लेता हूँ, R1 आकृति, और दूसरी आकृति जो है R2। इन दोनों को मिलाने से यह टोटल आकृति R बनी है। यह पूरे आकृति का नाम क्या है, R है। यानी क्या है कि यदि कोई आकृति R दो आकृतियों R1, ये आकृति जो टोटल R देख रहे हैं ये R1 और R2 के मिलने से बनी है, जिसमें सर्वनिष्ठ परिमित संख्या में बिंदु और रेखाएं हैं। इसमें जो उभयनिष्ठ इसमें जो दिख रहे हैं आपको परिमित संख्या में बिंदुएं भी हैं और रेखाएं भी हैं। ठीक है, तब उसके लिए ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ R यानी कि इसका क्षेत्रफल, इस आकृति पूरे R का जो क्षेत्रफल होगा इनके अलग अलग क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी कि R1 का क्षेत्रफल प्लस में R2 का क्षेत्रफल। ये कॉमन सेंस वाली भी बात है कि एक आकृति है जिसके अंदर एक से अधिक आकृति है, जरूरी है कि दो ही आकृति, दो से अधिक भी आकृति होगी। अगर मैं इसमें एक और आकृति जोड़ दूं, है ना, इन तीनों आकृतियों से मिलने से यह आपका R आकृति बन रहा है, तो बस इसमें एक और बढ़ जाएगा एरिया ऑफ R। समझ गया ना बात को, यानी कि एक से अधिक आकृतियों से जो क्षेत्र बना होगा उसका क्षेत्रफल उनके अलग अलग क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। हमें यहाँ से इस एग्जूम से यही पता चल रहा है, समझ रहे ना बात को, तो सिंपल है। चलते हैं अगले एग्जूम पे। अगला है आपका आयताकार प्रदेश का क्षेत्रफल अभिगृहित एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एग्जूम। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयत है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई यहाँ पर L है और चौड़ाई यहाँ पर मान लेते हैं B है, और इस आयत का नाम यहाँ पे ABCD दे लेते हैं, ABCD लंबाई है L, चौड़ाई है B। तो इस आयत तो ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा जी, तो होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अगर मान लो यह मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब जो भी है वर्ग मात्रक लिख देता हूं मैं, जो भी हो मात्रक, वर्ग मात्रक यानी कि जो भी हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो, वो तो मात्रक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको निरूपित कर सकते हैं। तो यही आपके एग्जूम थे और इन्हीं के आधार पे हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है। अब थ्योरम को जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक आयत ले लेता हूँ और आयत के अंदर ही मैं एक त्रिभुज का निरूपण करता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे इस पे बनाता हूँ। तो देखो, यह आयत और त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का एक ही आधार AB है, दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें बात करूं तो इस आयत का आधार AB और इस त्रिभुज का भी आधार आपको AB ही दिख रहा है, दोनों का आधार एक ही है। और समांतर की बात करते हैं, यहाँ देखो AB समांतर है DC के, तो ये दोनों समांतर के बीच में ही ये त्रिभुज भी निरूपित हो रहा है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां त्रिभुज और आयत जो है
एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है। यह दोनों आकृतियां त्रिभुज और आयत एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित है, समझ रहे ना। उसी तरह से मैं अगर यहां पर एक आकृति लेता हूं समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज में ऐसे करूं, मैं यहां पर इधर की ओर ऐसे एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। समझना है अभी कि एक ही आधार और एक ही समांतर का मतलब क्या है। और मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी, यहां पे ई देता हूं। तो यहां देखो इस त्रिभुज ए डी ई का और इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का, दोनों का एक ही आधार यहाँ ए डी है, दिख रहा है ना, दोनों का एक ही आधार ए डी है, और एक ही समांतर कौन कौन सा होगा, ए डी समांतर बी सी, ये दिख रहा है ना। तो यह दोनों आकृतियां यहाँ पर, यह आपका त्रिभुज भी और समांतर चतुर्भुज भी एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित है। चलिए अगर मैं फिर से देखो, मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसमें मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं इस तरह से। अब मैं कहूं कि क्या यह त्रिभुज और यह आयत, त्रिभुज और यह समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में, नहीं भैया इनका आधार एक ही कहीं से भी नहीं दिख रहा है। इस त्रिभुज की बात करें तो देखो इसका आधार यहीं तक है और इसका आधार टोटल हो जाएगा, तो ये दोनों का आधार एक नहीं है लेकिन समांतर एक ही है, दोनों एक ही समांतर के बीच में है लेकिन एक ही आधार के, एक ही आधार इनका नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह से हम लोग कई तरह से इसको देख सकते हैं। मान लो मैं यहां पर इस तरह से ले लेता हूं, यह आपका, ठीक है, और इस तरह से कर देता हूं, मैं यहां पे कहता हूं ए बी सी डी, यहां पे देता हूं पी क्यू। अगर मैं इस ए बी सी डी और ए बी पी क्यू पी के बारे में बात करूं तो इन दोनों का आधार ए बी हो जाएगा, सेम आधार है लेकिन एक ही समांतर के बीच नहीं है। या अगर मैं इस तरह से लेके चलूंगा ए बी सी डी और यहाँ पे ले लेता हूं मान लो इसको ए बी क्यू पी, इसको आधार लेके चलूंगा तो दोनों एक ही आधार के बीच में नहीं है लेकिन एक ही समांतर के बीच हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें एक ही आधार और एक ही समांतर को पहचान करना सबसे पहले जरूरी है, और इसी के मदद से ही हम लोग आगे अपने चैप्टर्स में क्वेश्चंस को बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन दोनों, इस त्रिभुज का देखो, यहाँ पे चतुर्भुजों का देखो, इन चतुर्भुजों का, तो दोनों का आधार ए बी एक ही है, इस चतुर्भुज का भी ए बी एफ ई का भी और ए डी सी बी का भी आधार एक ही है लेकिन एक ही समांतर के बीच नहीं है। यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और बी डी सी, बी डी सी, इन दोनों का आधार बी सी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बी डी ई की बात करूं तो उसका आधार एक ही नहीं है, तो एक ही आधार इसका बी सी है, ए बी सी का और बी डी सी का, और एक ही समांतर यहाँ ए डी समांतर बी सी के बीच यह है, समझ रहे ना बात को। चलिए उसी तरह से मैं उल्टा यहां भी लिख लूं, अगर मैं इसको आधार मानूं तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको मिलाऊं तब ए ई को मिलाऊंगा तब जाके होगा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज अगर मैं ए को मिला दू इस तरह से तो आपका देख लो कौन कौन सा त्रिभुज, ए डी सी और ए डी, इन दोनों का आधार एक ही है ए डी और एक ही समांतर के बीच भी है। यहाँ पे इस तरह का फिगर तो मैं ऊपर भी समझा चुका हूं कि दोनों का आधार यहाँ पे ए बी है और एक ही समांतर के बीच भी ये स्थित है, ये त्रिभुज और यह समांतर चतुर्भुज, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर का मतलब क्या होता है। तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो भी थ्योरम दिए गए हैं आपके चैप्टर में उनको देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे संबंधित नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी मैंने लिंक दे रखा है। हमारे वेबसाइट www.ravikansar.in पर जाकर आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से हम लोग इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।